ये 92% केसेस जो दिल्ली में मिल रहे हैं वो XBB वेरिएंट के हैं। सो अभी तक फिलहाल कोई भी घबराने की जरूरत नहीं है। दिल्ली के लोगों को मैं आश्वासन देना चाहता हूं कि फिलहाल कोई भी घबराने की जरूरत नहीं है, और बाय चांस भगवान ना करे कि दोबारा कोरोना फैले, लेकिन बाय चांस अगर फैलता है तो हम अपनी तरफ से पूरी तैयारी के साथ हैं, आपकी सरकार पूरी तैयारी किए हुए है। एक तो जितने केसेस आ रहे हैं भारत सरकार की डायरेक्शन के मुताबिक, हम सारे केसेस की, जितने पॉजिटिव केस आते हैं सबकी जीनोम सीक्वेंसिंग कराते हैं कि वो उसमें कौन सा वेरिएंट है। दूसरा, हमारी आज दिल्ली में लगभग 2500 केसेस की टोटल टेस्टिंग होती है दिल्ली, हमारी कैपेसिटी 1 लाख तक पहुंच गई है। अगर जरूरत पड़ेगी तो हम 1 लाख टेस्ट डेली भी कर सकते हैं। आज हमारे पास 8000 बेड्स कोरोना के लिए अलग से रखे हुए हैं, अगर जरूरत पड़ेगी तो 8000 बेड्स अभी फिलहाल खाली हमने रखे हुए हैं। पिछली लास्ट जो कोरोना की पीक आई थी उसमें 25000 बेड्स तक हम लेके गए थे, इसको भी इस बार हमारी तैयारी 36000 बेड्स तक की है। अगर जरूरत पड़ेगी तो हम 36000 बेड्स कोरोना के तैयार कर सकते हैं। पिछली बार ऑक्सीजन की काफी दिक्कत हुई थी। ऑक्सीजन की सबसे बड़ी दिक्कत ये हुई थी कि एक तरफ तो ऑक्सीजन मिल नहीं रही थी, दूसरी तरफ ऑक्सीजन अगर मिलती भी थी तो दिल्ली में हमारे पास स्टोर करने की कैपेसिटी नहीं थी। वो हमने अब बढ़ा ली है, आज हमारे पास 928 मीट्रिक टन ऑक्सीजन स्टोर करने की कैपेसिटी है, 928 मीट्रिक टन्स। इसमें पिछली बार आपको याद होगा कि सबसे ज्यादा दिक्कत थी सिलेंडर नहीं मिल रहे थे, सब आदमी मतलब अपने अपने मरीज को लेके एक सिलेंडर ऑक्सीजन ढूंढ रहे थे, सिलेंडर नहीं मिल रहे थे। अभी हमारे पास जितने सिलेंडर्स हैं पूरी दिल्ली में सब अस्पतालों में जो लगे हुए, उसके अलावा 6000 सिलेंडर्स हमारे पास रिजर्व में अभी खाली पड़े हुए हैं। जरूरत पड़ेगी तो इनको, पिछली बार जब पीक आई थी तो हमने ये 6000 सिलेंडर्स चाइना से इंपोर्ट किए थे और ये 6000 रिजर्व में पड़े हुए हैं हमारे पास सिलेंडर्स। पिछली बार एक दिक्कत ये आई थी कि XYZ स्टेट कह देता था कि ठीक है आप ऑक्सीजन उठा लो, हमारे पास ऑक्सीजन लाने के लिए टैंकर्स नहीं थे और कहीं से टैंकर उपलब्ध नहीं हो पा रहे थे। आज हमारे पास दिल्ली सरकार के पास अपने 12 टैंकर हैं और 3 प्राइवेट में अवेलेबल है, तो 15 टैंकर दिल्ली के पास अवेलेबल है। अगर जरूरत पड़ेगी तो हम ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करने के लिए हमने अपने टैंकर्स की भी व्यवस्था कर ली है। दिल्ली में फर्स्ट डोज और सेकेंड डोज लगभग 100% लोगों को लग चुकी है, प्रिकॉशन डोज जो है वो बहुत कम लोगों ने लगाई है, केवल 24% लोगों ने लगवाई है। मेरी हाथ जोड़ के सब लोगों से अब निवेदन है कि दिल्ली सरकार, आज ये मीटिंग में भी मैंने सबको कहा कि हमें दोबारा एक एक्सरसाइज करनी चाहिए कि घर घर जाके प्रिकॉशन डोज लगाई जाए। तो सब लोगों से, लोग लगाते नहीं है, घर घर जाते भी हैं हमारे डॉक्टर्स लगाने के लिए तो भी नहीं लगवाते, सबसे निवेदन है कि प्रिकॉशन डोज जरूर लगवा लें। एम्बुलेंसेज की भी पूरी तैयारी है, अभी 380 एम्बुलेंसेज हमारे पास रेडी हैं, लेकिन आज और भी एम्बुलेंसेज के लिए हमने ऑर्डर दे दिए हैं कि और एम्बुलेंसेज का भी प्रोक्योरमेंट शुरू कर दिया जाए। तो मोटे मोटे तौर पे हम तैयार हैं, और भगवान ना करे कि कोरोना फैले, दिल्ली में कोरोना आए, भारत में कोरोना आए, लोग सुरक्षित रहें, स्वस्थ रहें, ऐसी भगवान से प्रार्थना है। सर, मास्क मैंडेटरी करने का कुछ वही प्राइमरी सबसे पहले बचने का तरीका ये माना जाता है? हम केंद्र सरकार के उस पे निर्देश पे वेट कर रहे हैं, क्योंकि सबसे ज्यादा नॉलेज इस टाइम और एक्सपर्टीज केंद्र सरकार के पास है, कितना हमें तैयारी करने की जरूरत है, कितनी वो, तो केंद्र सरकार जैसे जैसे आदेश देगी हम उन आदेशों का पालन करेंगे। कई सारे स्टेट एयरपोर्ट पर जो है वहां पर रैंडम सैंपलिंग कर रहे हैं, आईजीआई पर क्या आपने ऑर्डर किया रैंडम सैंपलिंग जो अभी से शुरू हो, खासकर जो बाहर से आ रहे हैं, चाइना से ट्रांजिट रूट लेकर के आ रहे हैं? मेरे ख्याल से उसके बारे में भी केंद्र सरकार ऑर्डर निकालेगा, जो दिल्ली का जो इंटरनेशनल एयरपोर्ट है उसके ऊपर कितनी सैंपलिंग होनी चाहिए, जो जो केंद्र कहेगा उसके हिसाब से मैन पावर और मटेरियल प्रोवाइड करना हमारी जिम्मेदारी है। स्कूल्स को लेकर वहां बड़ा कंसर्न होगा, क्योंकि जो बच्चे हैं उनके वैक्सीन को लेकर अभी भी क्लैरिटी नहीं है, बहुत ज्यादा कवरेज नहीं है। वैक्सीन जैसे मैंने बताया कि फर्स्ट डोज और सेकंड डोज 100% लग चुकी है सभी सभी एज ग्रुप्स में और सभी कैटेगरीज में। जांच का दायरा भी बढ़ाया जाएगा?
जांच का दायरा भी बढ़ाया जाएगा। जितने जैसे ये सार्स वाले केसेस आ रहे हैं, जितने भी सांस के केसेस हैं, उन सारे केसेस में 100% केसेस में अब हम कंपलसरी जांच कर रहे हैं आरटीपीसीआर की। थैंक यू।